आज प्रभु येसु एमाउस जाने वाले अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा येसु। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से लेकर 35 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु येसु एमाउस के रास्ते पर जा रहे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। प्रभु येसु एमाउस एक गांव है वहां की ओर उनके शिष्य जा रहे थे और वे आपस में बातचीत कर रहे थे और प्रभु येसु उनके साथ में हो लेते हैं। उनके शिष्यगण उन्हें पहचानने में असमर्थ रहते हैं। हम भी हमारे जीवन में बहुत बार प्रभु को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु साथ में चलते हैं फिर भी हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, जिस तरह से प्रभु के शिष्य उन्हें पहचान नहीं सके। 3 साल तक उनके साथ में रहते हुए भी वे उन्हें पहचानने में असमर्थ हो चुके थे, लेकिन प्रभु येसु ही हम सभी की आँखों को खोल देते हैं। हम सभी के जो दृष्टिहीन हैं उन सभी की आँखों को चंगाई देते हैं। हम आँखें होते हुए भी प्रभु को नहीं पहचान पाते, उसी तरह की घटना आज हम पाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? प्रभु येसु सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी उनसे पूछते हैं। और उनके शिष्य रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लियोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। यरूशलेम का बच्चा बच्चा जानता था, हर एक व्यक्ति जानता था कि यरूशलेम में क्या हुआ है। एक निर्दोष को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा था उसी के अनुसार सब कुछ पूरा होता है। और प्रभु येसु इसी बात को उनके शिष्यों को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मनमती हो, कितने धीरे समझते हो। प्रभु येसु के साथ में रहते हुए भी, इन 3 सालों में उनके जीवन को देखते हुए भी, कार्यों को देखते हुए भी, उनके द्वारा कही गई बातों को सुनते हुए भी वे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए प्रभु येसु उन्हें निर्बुद्धि कहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं आती हैं। कई क्रिस्तीय प्रभु के साथ में कई वर्षों तक रहते हुए भी हम सभी इधर उधर भटकते हैं, हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं। प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखते हुए भी, लोगों के जीवन में देखते हुए भी हम उनके साथ में रहना नहीं चाहते, हम उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं। आज प्रभु येसु हम सभी को भी यही कहते हैं कि हम उनके पास में रहे, उनके साथ रहे और उनमें विश्वास करें। और प्रभु येसु उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह नबी मूसा ने और अन्य नबियों ने और धर्म ग्रंथ में जैसा लिखा है वैसा ही उनके साथ हुआ, उसके बाद भी वे उन्हें नहीं पहचान रहे थे, इसीलिए प्रभु येसु उनका विश्वास मजबूत करने के लिए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे मृतकों में नहीं जीवितों में ढूंढो, क्योंकि मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ और मृत्यु को प्रभु ने पराजित किया है। इसीलिए प्रभु येसु अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। और अंधेरा हो चला था तब उनके शिष्यगण उनसे कहते हैं, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और उनके साथ रहने भीतर गए, और प्रभु येसु उनके साथ रहने भीतर चले जाते हैं। उसके बाद ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। जैसे ही प्रभु ने रोटी ली, आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ी और उसके बाद जैसे रोटी तोड़ी उनकी आंखें खुल गई। हम सभी की भी आंखें आज प्रभु खोल दे, जैसे ही हम प्रभु येसु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं, तो प्रभु येसु हमारी जो आंखें हैं उन्हें खोल दे
ताकि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पहचान सके, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो कहा था, जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा था, उन सभी बातों को प्रभु यीशु ने अपने जीवन में पूर्ण किया। इसीलिए उनके शिष्यगण आज उन्हें पहचान जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आज हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु से कि जिस तरह से उनके शिष्यों की आंखें अंधकारमय थी, अंधकारमय जीवन था और अंधकारमय रास्ते में वे चल रहे थे और उसी अंधकारमय काली घटाओं में वे प्रभु यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। जब कभी हमारे जीवन में भी विपत्ति आती है, कष्ट आता है, हम भी नहीं पहचानते हैं। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें, और आज हम हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों ने प्रार्थना की मदद मांगी है। ईश्वर सभी को आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह दे और प्रेम से भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वर निरंतर उनके साथ रहे। आमीन।